तो आई एफ आई में देखकर मॉवल की दी मॉवल्स मूवी जिसे देखने में अपनी बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ गया था बट मूवी देखने के बाद मेरा सिर्फ एक ही रिएक्शन था मूवी ठीक है वन टाइम एंजॉएबल है और शायद से पूरी मॉवल कम्युनिटी में मैं ही अकेला ऐसा बंधा हूँ जिसे दी मॉवल्स कैप्टन मॉवल से ज़्यादा बेटर लगी हर चीज़ में देखा जाए तो मॉबल वाले फिर से वही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करने की कोशिश कर रहे थे जो कि उन्होंने के हाइप में किया था कैप्टन मॉबल को रिलीज करके जिसके बाद मतलब वो वन बिलियन पार कर गई थी क्योंकि मूवी तो अच्छी थी नहीं जहाँ यही इसी स्ट्रेटेजी को रिपीट करके ये लोग अपने लोकी लोग मॉबल्स के साथ करना चाहते थे बट ऐसा बिल्कुल भी, भी नहीं हो पाया ये तीन औरतें करेंगे अपने लोकी गॉड ऑफ टाइम से होगा बड़ा तुम सोच सकते हो क्या अगर मूवी के पूरे डिटेल रिव्यू पे बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी के मेन प्लॉट के बारे में जो इस मूवी की पूरी स्टोरी लाइन हमें दिखाई गई है वो बहुत ही ज्यादा वीक दिखाई है मतलब बीच बीच में कभी कभी पूरी फील होने लग जाती थी वो म्यूजिक वाले को देखकर ऐसा फील होता है की पूरी स्टोरी किसी टिकटॉपर ने लिखी हो मतलब जहाँ भी एक तरफ हम लोकी के आखिरी एपिसोड को दिमाग लगा लगा कर उसकी स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहे थे उसके आगे की थ्योरी बनाते बनाते नहीं थक रहे थे तो भाई उसी की तरफ मावल ने दूसरी तरफ अपने लोकी के लास्ट एपिसोड के साथ दीम मॉवल्स रिलीज कर दिया जैसे स्टोरी कोई अनपरसेंट बड़ा बंदा भी दो तीन लाइनों में खत्म कर दे मतलब ये जो ऐसी मूवी हमें स्टोरीज दिखाई जाती है ना ऐसी स्टोरीज भाई कभी थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बन नहीं सकती बल्कि अगर इसे कोई छोटी मोटी सीरीज या शॉर्ट में फिल्म में कन्वर्ट कर दिया जाता तो वो ज्यादा फिट लगती Then, अगर यहाँ पर एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस पर बात कर ली जाए तो मैं यही कहूँगा कि सभी एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस रिसेंट ही लगी इन फ्रंट ऑफ मिस मॉवर की एक्ट्रेस बिलानी मतलब एक तरह से यार इन्होंने अपने दूसरे एक्ट्रेस की लाइव लाइटी छीन लिया क्योंकि जब भी स्क्रीन पर आती थी तो बस ऐसा ही फील होता था कि अपने करेक्टर को और भी ज्यादा मतलब पिछली बार से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ प्ले कर रही है मतलब बस इनकी ये बाई स्क्रीन पे और भी ज्यादा बेटर फील होती है इन फ्रंट ऑफ अदर एक्टर्स यहीं पर ब्री लार्सन ने अपनी मावल वाली वही रेगुलर एग्रेसिव परफॉर्मेंस

आखिरी में आ जाती है मूवी की मेन लंट टारबेन जिसको प्ले करा पी जैवर ने जहाँ बैन की परफॉर्मेंस को कहीं कभी नहीं निकालू हुआ बट पर यहीं पर इनका जो करेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्नेटेबल है जिसको तुम थिएटर से निकलते ही भूल जाओगे और वैसे एक बात बता दो ये जैवर आश्टैन अपने टॉविडस्ट वो की रियल वाइफ है मतलब देख रहे हो एक तरफ लोगी का कैरेक्टर जिसको कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता और एक तरफ ये जिसको कोई याद भी नहीं रखना चाहता जिसको मूवी में भी कोई अच्छा खासा ढंग का ऑटो नहीं दिया गया कैप्टन से लड़ने का और न कोई डंगी स्टोरी दी गई बात कर लिया मूवी के बी के, के बारे में तो मैं यहाँ पर बी एफ एक्स ही कोई कमी नहीं कर हुआ कहीं कहीं एक्स बहुत अच्छे कर दिए गए और कहीं कहीं थोड़े बहुत डन कर दिए गए हैं जिससे मूवी पे कोई भी असर नहीं पड़ता मतलब कोई भी कमी नहीं आती फिर आता मूवी का मेन पोस्टर सीन जो कि पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट

हाफ वेट कर रहे हो तो अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार ओटीय पर ये जो बेल का बटन लगा हुआ है यार उसे जो ऑन कर देना ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता है तो चलो गाइस मिलता हूं अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप मेरे लोकी के फिनाले का ब्रेकडाउन देख लीजिए ये रहा एंड हां गुड बाय